नमस्कार मित्रों, रीट को लेकर कुछ नए अपडेट हैं। आपको पता ही होगा, दो चार घंटे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आई थी, व्हाट्सएप पे चल रही थी, और अब जो है बोर्ड ने खुद ने ये जारी कर दिया है तुरंत ही। ये उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर आया है। आपको पता ही दोस्तों, एक विवाद चल रहा था कि जो बीएड वाले हैं उनको L1 में भी बिठाया जाए, जबकि BHTC वाले यानी L1 वाले विरोध कर रहे थे कि हमारे हितों पर कुठाराघात है। जबकि आपको याद होगा, हमने SP सर के साथ, संजय पाल जी के साथ मिलकर एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था, दो चार महीने पहले की बात है, कि NCT ने जो अनुमति दे दी है तो राजस्थान में भी जो है उस आधार पर L1 में मौका मिल सकता है। हालांकि यहाँ बात यह सही है कि जो L1 के हैं BHTC वाले, उनके हितों पर कुठाराघात है ये, मगर जहां सेंटर से गाइडलाइन चल रही थी तो अब ये कोर्ट में चला मामला, और आखिरकार माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा किस मैटर में, ये जो सुनीता और अन्य की याचिका पर उस न्यायालय ने फैसला सुनाया है, ठीक है। और ये जो एडवोकेट साहब है राम प्रताप सैनी और धीरज पालिया, इन्होंने इस मामले की पैरवी की और NCT ने जवाब देने के लिए मांगा समय। अब हम इस मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, कि 5 तारीख का जो फैसला, उसकी अनुपालना में आवेदन पत्र जो है, आवेदन है, उसकी प्राप्ति तिथि 19 फरवरी बढ़ा दी है। पहले 8 थी, 11 दिन बढ़ा दी। अभ्यर्थी दिनांक 19 तक ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकेंगे, 19 तक चालान कट जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 20 तक भर सकेंगे, यानी फीस जमा कराने की तारीख 19 है तो आप 19 ही माने, एक दिन आपको और एक्स्ट्रा है कि फीस जमा हो गई तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ तीन बातें देखो, 4 फरवरी 2021 तक फीस जमा करा चुके परीक्षार्थी दिनांक 8 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ये तो क्लियर था। जिन्होंने कल तक फीस जमा करा दी थी वो भी फॉर्म भर रहे हैं, 8 तारीख है उनके लिए। ऐसे अभ्यर्थी जो BEd व NIUSA DELED डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन योग्यताधारी है, वे Level 1 के लिए दिनांक 9 से 19 तक आवेदन कर सकेंगे। यानी जो अभ्यर्थी BEd, ठीक है, वह DLED भी है, यानी जिन्होंने DLED या BHTC कर रखी है और BEd भी कर रखी है, अब वो लोग जो है, यानी केवल BHTC वाले तो L1 के लिए है, या BEd वाले जो है उनको भी L1 के लिए जो शामिल, यानी जिन BEd योग्यताधारी अभ्यर्थियों के द्वारा L2 के लिए आवेदन किया जा चुका है, ऐसे अभ्यर्थी L1 में भी आवेदन कर सकते हैं। शुल्क के अंतरराशि ₹200, जो कुछ शुल्क था वो ₹200 जमा कराकर दोनों लेवल के लिए आप संशोधन कर सकते हैं। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि अगर L1 के लिए भी कोई भरना चाहे तो उनके लिए अब तारीख क्या है, 19 है, और वो अतिरिक्त शुल्क है दोनों का ₹750 था शायद संयुक्त रूप से, तो 550 मान लो आपके लग गए, तो फिर 200 और देने हैं। अब आवेदन से वंचित रहे, मान लीजिए किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, तो वो भी 9 से, क्यों, क्योंकि 9 से फिर से चालान शुरू होंगे फीस जमा का प्रोसेस, तो 9 से लेके और 19 तक चालान कटवा के और 20 फरवरी तक जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ और बातों की बात करें, देखो आवेदन की तिथि इसके पश्चात नहीं बढ़ाई जाएगी, इसका मतलब बोर्ड जो है वो सख्त है और वो ये चाहता है कि सारी प्रोसेस जैसे प्रवेश पत्र वगैरह की वो समय पर होती रहे। यहाँ देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, उपरोक्त सभी आवेदनकर्ता यानी अब तक जो 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं, आपके आवेदन में कोई त्रुटि रह गई है, जैसे मान लो कैटेगरी भूल से आपने करना था OBC कर दिया जनरल, करना था EWS कर दिया जनरल, नाम में DOB में किसी भी प्रकार की आपके कोई जो भी वो क्या क्या देंगे अपने को आंशिक संशोधन में वो क्या क्या देंगे वो पता लग जाएगा, वो 22 फरवरी से 25 फरवरी तक 4 दिन तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें आपको हल्का कुछ शुल्क देना पड़ सकता है। तो आप बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर इस पर जाकर आप स्वयं भी कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा आपको अलग से कि किस तरह से क्या होगा। आप ये वेबसाइट खोलेंगे, रीट लिखा मिलेगा 2021, वहाँ क्लिक करके फिर आप कर सकते हैं। तो 22 फरवरी से ये संशोधन का रहेगा। अब यहाँ बात आती है कि क्या परीक्षा आगे जाएगी, तो दोस्तों पहले हम उपेन यादव जी का देख लेते हैं ट्वीट। इन्होंने किया है कि ये लेवल प्रथम में BEd डिग्री धारियों को फॉर्म भरने की
जो है छूट मिल गई है। अंतरिम आदेश फाइनल निर्णय याचिका के अधीन होगा, राज्य सरकार ने बढ़ा दी है, सुनवाई 1 मार्च को और होगी, ठीक है। सुनवाई अभी चल रही है मामला, 25 अप्रैल को होगी रीट परीक्षा, सभी अभ्यर्थी तैयारी में जुटे रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अनुभव और बहुत बड़ा नाम है इनका, तो 25 अप्रैल का कह रहे हैं। अब मैं मेरा कैलकुलेशन बता देता हूँ कि दोस्तों अगर यहाँ परीक्षा कोई आगे पीछे होता ना तो ये समय ज़्यादा दिया जाता, जैसे अभी 1 महीना था तो हो सकता है 1 महीना मिल जाता आपको, मगर नहीं दिया ना, 10 ही दिन का दिया है। तो यहाँ आप कयास लगा सकते हैं कि बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम के प्रति कटिबद्ध है। परीक्षा 25 अप्रैल को ही होगी, महावीर जयंती की बात है तो हो सकता है परीक्षा 24 को ही हो जाए, आप आगे की मत सोचो। और ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लो कोई ज़्यादा विरोध हो तो एक संडे और मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। इसलिए आप दिमाग में फिट रखें कि 25 अप्रैल को मानकर ही आप जो है तैयारी को जारी रखें, अपने जो अस्त्र शस्त्र जो तैयार कर रखे हैं आपने युद्ध के लिए, तो उनको यानी जो आपकी पुस्तकें हैं उनको आप पढ़ते रहें, 25 अप्रैल ही मानकर चलें। तो यहाँ मेरे ख्याल से आपके सारी बातें क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। यानी कि अब आप कहेंगे कि सर हमें फॉर्म भरना चाहिए क्या, तो दोस्तों अभी तक ये मामला कोर्ट के अधीन है, अभी BHTC वाले पुनः ऑब्जेक्शन करेंगे, पहले उन्होंने विरोध किया था तो सरकार ने उनकी बात मान ली थी, अब कोर्ट ने कह दिया है, कोर्ट तो क्या है तथ्य देखता है, जो NCT की सेंटर की जो गाइडलाइन है वो देखता है, तो उस हिसाब से ये कर दिया है, अभी भी मामला चल रहा है। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर आपका सब्जेक्ट वगैरह सारा मजबूत है तो आप L2 पे फोकस कीजिए, और गणित उसमें आएगी, ठीक है, तो गणित भी आएगी, तो ये अब आपका निजी निर्णय रहेगा कि आपको क्या करना है। आप सिलेबस देख लीजिए, उसमें पर्यावरण भी है, गणित भी है, ठीक है, मगर मेरी निजी राय ये है कि जो BHTC वाले हैं वो BHTC करते हैं, 2 वर्ष उन्होंने लगाए और उनके लिए मौका नहीं है, वो BEd के लिए आ नहीं सकते, BEd वालों के लिए तो सेकेंड ग्रेड भी है, फर्स्ट ग्रेड भी है, तो सरकार ने पहले जो निर्णय किया था वो काफ़ी सराहनीय था, मगर अब कोर्ट के थ्रू ये आया है तो देखो आगे क्या होता है। पुनः है अभी ये चल रहा है मामला, तो पुनः है इसमें क्या रहता है, वो डबल बेंच का रहेगा क्या रहेगा, तो जो भी हो फिलहाल स्थिति ये है, और आपको जानकारी देना मेरा उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद।